गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बट बिफोर इट आई वॉन्ट टू टीच यू रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज. Reactivity series, the series that shows the reactivity of the metals in decreasing order. ऐसा एक series जो क्या करता है, metal की reactivity को decreasing order में क्या करता है, दिखाता है. अर्थात सबसे ऊपर वाला ज्यादा reactive होता है और जो हम नीचे जाते हैं less reactive होता है. अब इसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. लेकिन हम इसे याद कैसे रखें, तो हम आपको दो तरीके बताते हैं याद करने का. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, आपने शायद सुना भी हो. तो क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि इसको हम याद करने का जो तरीका हो क्या है, करीना ने कार है मांगी, अल्टो जेन फरारी. सुनकर पटौदी बाबा हंसकर कल्टी मारी. हंसकर कल्टी मारी और बोले, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिलाऊं और प्लैटिनम के हार पहनाऊं. तो क्या था, करीना ने कार है मांगी अल्टो जेन फरारी, सुनकर पटौदी बाबा हंसकर कल्टी मारी. आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिलाऊं और प्लेटिनम के हार पहनाओ. हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं. हमने एक और तरीका देखा है कि यदि हम बनाया है कि हम इसको पहले लेटर को देखे, तो इसको मैं ऐसे याद करते हैं, पो सो का मा अल जी आई टी ली हाई को मी सी गो पी टी. पो सो का मा अल जी आई टी ली हाई को मी सी गो पी टी. तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप करीना कपूर को भी जानते हैं और पटौदी बाबा को भी जानते हैं. पटौदी बाबा मतलब सैफ अली खान को भी जानते हैं. ठीक है, बंद करो. हमने पढ़ा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज. और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा कि ऊपर के मेटल क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नीचे के मेटल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. तो जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा वह दूसरे मेटल या नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल्स के साथ क्या करेगा, बहुत ही वाइगोरसली रिएक्ट करेगा, बहुत ही जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. तो सबसे पहले पढ़ना है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. किसके साथ पढ़ना है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो हमने देखा कि जब भी कोई मेटल, सबसे पहले हमने देखा रिएक्टिविटी से पहला मेटल कौन था, सोडियम. तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल एंड In open air it starts to burn and it also react with water very vigorously. That's why we put into the kerosene oil. हम क्या करते हैं, तो जो हम सोडियम है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे कि हमने पहले देखा कि पोसो कामा पोटेशियम के और सोडियम ये एन ए ये दोनों क्या है, बहुत ही वाइगरसली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. इसलिए पोटेशियम को हम क्या करते हैं और सोडियम को हम क्या करते हैं, किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं. किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं. किसको, सोडियम को. इसको क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाई सोडियम के अपीयर केरोसिन ऑयल, तो हम लिखेंगे कि इट वाइगरसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट्स वाई इट इज कैप्ट इन टू द केरोसिन ऑयल. तो हमने क्या देखा कि सोडियम, तो हमने अलग अलग देखते हैं कि सोडियम वाइगरसली रिएक्ट, तो सोडियम क्या है, एन ए क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ओ टू के साथ. तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, टू एन ए टू ओ, क्या बनाएगा, टू एन ए
H2O ये क्या है, सोडियम के ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम का ऑक्साइड है। सेम यदि हम और कोई और मेटल ले लेते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ये जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, चाहे वह सोडियम ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वह पोटेशियम ऑक्साइड हो, यह सारे ऑक्साइड क्या है, यह सारे ऑक्साइड ऑक्साइड यह सारे ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। बंद करो। अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जब वो नॉन मेटल भी रिएक्ट करेगा तो सेम वे क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आप देखेंगे सल्फर, सल्फर को यदि आप लैब में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बर्न करना, तो जब बर्न करेगा तो क्या कर बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बड़े बदबूदार, सरे अंडे की तरह बदबू आती है, पंजेंट स्मेल, कैसा होता है, पंजेंट स्मेल निकलता है इसमें से, पंजेंट स्मेल इसमें से निकलता है। अब आपको पता है कि ये SO2 जो है, जैसे कि हमने देखा कि जितने मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, H2SO3 सल्फ्यूरस, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाता है, सल्फ्यूरस एसिड, क्या हो जाता है, ये सल्फ्यूरस एसिड क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और रिएक्ट किसलिए क्या करता है, तो ब्लू लिटोस्फीयर को करता है, रेड करता है, ये एसिड की पहचान है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में सब सुपर वाले मेटल होते हैं वो वाटर से भाई क्या करते हैं, वाइगरसली रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बात करें सोडियम की, सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, सोडियम क्या करेगा, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और ये रिएक्शन काफी तेज होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो वाटर से जब भी कोई जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, Mg+H2O, क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, MgO, क्या बनाएगा, ये MgO प्लस क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ये स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पे MgO बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, इसकी जगह क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें क्या बना था, हाइड्रोक्साइड बना था, इसमें क्या करेगा, क्या बना, ऑक्साइड बना, क्योंकि क्या होता है, लेस रिएक्टिव है इन द कंपेयर ऑफ सोडियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिंक, जिंक में क्या करेगा, जिंक थोड़ा और स्लो रिएक्ट करेगा, और इसके साथ क्या बनाएगा, जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZNO, ये भी जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो जो सोडियम या सोडियम जो है वो क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि मैग्नीशियम और जिंक क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस तीनों में एक बात कॉमन है कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वह तीनों में क्या होता है, लिबरेट होता है, तो हाइड्रोजन गैस तीनों में क्या करता है, निकलता है। अब इसके बाद तो इन सारे रिएक्शन का यदि सम अप हम एक चार्ट के फॉर्म में करना चाहे तो हमने आपको नीचे चार्ट भी दे दिया, चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट होता है और किस प्रकार जो है वह हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वाटर केवल या लिक्विड फॉर्म में ही मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, वाटर मेटल्स रिएक्ट नहीं करते वाटर से,
ये गैसेस फॉर्म में भी रिएक्ट करते हैं। अब इसके बेस पे कुछ टॉपिक्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला है कोरोजन। क्या है कोरोजन? कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लास 10th में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि द ईटिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर। द ईटिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है भाई, इसमें कोरोजन क्या होता है? आपने देखा होगा कि लोहे में जब जंग लगते बहुत लंबे समय तो उसे पानी में छोड़ दो, परत दर परत उसका लेयर बाय लेयर क्या होते हो, दूसरे जिसको पटकते तो क्या कहते हैं, गिरने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। लेकिन कोरोजन से पहले क्या क्या स्टेप, क्या है? रस्टिंग है। क्या है? रस्टिंग। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ओवर आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ओवर आयरन लाइक आर्टिकल्स हम कह सकते हैं, या आयरन आर्टिकल्स तो फॉर आपने देखा होगा कि ब्राउन लेयर, अब ये जैसे हम इसकी एक इक्वेशन देने का प्रयास करें तो क्या होगा, 4Fe आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 into XH2O। क्या बनाता है? Fe2O3 into XH2O, या Fe आपने बहुत सारे में लिखा होगा Fe2O3 into H2O, बहुत सारे बुक में Fe2O3 into 10H2O, तो अलग अलग बुक में आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें लिखी होती है। तो यदि हम इसको पूरा सम अप करें तो हमारे पास ये आता है कि Fe2O3 into H2O, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड एक्स हाइड्राइड। ये किसका फॉर्मूला होता है? जंग लगने का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला होता है, या फिर फेरिक ऑक्साइड और डाइहाइड्राइड भी पढ़ सकते हैं इसको, जैसे भी हम देखें इसको पर, इसको इससे क्या हो गया, जंग का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या लोहे में ही जंग लगता है या लोहे में ही कोरोजन होता है? नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो महिलाएं चांदी की गहने पहनती हैं उनका गहना काला पड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उनका जो चांदी का गहना होता है क्या होता है, अक्सर काला पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर जो एटमोस्फेरिक सल्फर है उससे क्या करता है, एटमोरिक एजी क्या करता है, सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, AgS सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और वो क्या करता है, काले रंग में बदल जाता है। इसलिए आपने देखा हो कि अंडे में बहुत ज्यादा सल्फर होता है, इसलिए अंडे को हम क्या कहते हैं, चांदी के चम्मच से नहीं खाते, क्यों? क्योंकि चांदी का चम्मच क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही काला हो जाएगा, वो AgS बना लेगा और क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो टोटी लगी है स्टेनलेस स्टील की, वो क्या हो जाता है, वह काला पड़ जाता है, ब्राउन लेयर उसके ऊपर आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसका भी क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा पटीना क्या होता है, पटीना एक मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और प्लस और यह कॉपर हाइड्राइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 को मिला के जो मेटल बनाया था, उसमें जो यूटेंसिल्स बनाया जाता है इससे, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पटीना। तो यह जो पटीना होता है इसका फॉर्मेशन होता है जब कॉपर के साथ 2Cu कॉपर के साथ जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, पेटूना बनता है। क्या बनता है, पेटूना CuOH का होल 2 प्लस CuCO3। इसमें यह क्या होता है, यह रस्टिंग को रोकता है, लंबे समय तक रोकता है। तो यह हमने देखा कि बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो जहां क्या होते हैं, रस्टिंग होती है अपने उसके बाद
इन रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। स्पेलिंग गैल्वनाइजेशन का GAL गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वनाइजेशन S की जगह Z डालना है, गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल। जब हम थिन लेयर ऑफ जिंक क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, वो प्रिवेंट करे तो ऑक्सीजन को मीट करने से, और इस पर क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा जो पुल बनाते हैं उनके ऊपर, उसका क्या रहता है, गैल्वनाइज किया तो काफी चमकता रहता है। तो वो क्या होता है, जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, इससे क्या होता है, उसकी रस्टिंग रुक जाती है। अब है नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसीलिए जो है फास्फोरस जो काफी रिएक्टिव है, फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफी रिएक्टिव है, और इसलिए इसको जो है पानी के अंदर रखा जाता है। सिंस फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एंड नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सो इट इज कैप्ट इन टू द वाटर, से पानी में डुबो के रखा जाता है। अब अगला हमें पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब भी एसिड, किसी भी एसिड के साथ कोई भी मेटल, जैसे जिंक की बात करें, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस गैस क्या करेगा, छोड़ेगा, वो हाइड्रोजन लिबर्ट करेगा। जैसे क्या बनाएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। यहाँ पे हम किसी भी मेटल की बात कर ले, कोई और ले लें, जैसे Mg+HCl क्या हो जाएगा, MgCl2+H2। हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस निकला। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब जलते हुए जब रिएक्शन को करवाते हैं, उस रिएक्शन के ठीक बाद में हमें जलती हुई मैचस्टिक को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं, तो पफ का साउंड निकलता है। यह पफ का साउंड दर्शाता है कि जो गैस निकल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अब है कि मेटल यदि किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। देखो बहुत सारे नॉन मेटल जो है, बहुत सारे मेटल जो है वह बेस के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। बहुत सारे मेटल बेस के साथ कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, लेकिन कुछ मेटल करते हैं। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। हम आपको जनरली, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको वर्डली इक्वेशन लिख देता हूं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनेट मिनेट। और कौन सी गैस, और सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब ये जो एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है बेस जिसके लास्ट में OH लगा होता है, बेस की पहचान है, ठीक है। तो चूंकि हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस रिएक्ट किया, क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हटा देना, किसी को हटा देना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक
क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करें, तो हम कह सकते हैं कि जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऊपर वाला पावरफुल है, नीचे वाला क्या है, कम पावरफुल है। अब यदि एक पावरफुल है कोई, तो क्या कहे, लेस पावरफुल वाले से कोई चीज आसानी से छीन सकता है। वैसे ही आप मान लीजिए एक एक्स है जो ज्यादा पावरफुल है, और वाई जेड एक कंपाउंड है जिसमें वाई क्या है, कमजोर है, और जेड उसके साथ है। अब एक्स क्या करेगा, क्योंकि ये कमजोर है तो जेड को अपने पास खींच के ला सकता है, तो क्या बन जाएगा, एक्स जेड। और वाई बेचारा क्या होगा, अकेला रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो ऐसे ही यदि हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, जहां डिस्प्लेस, जैसे हम करें एफ ई अल्टोजेन फरारी, फरारी मीन्स आयरन, ये रिएक्ट करता है कॉपर, ठीक है, कल्टी मारी, अपने पास है कल्टी मारी, ठीक है। अगर रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ज्यादा पावरफुल है भैया, तो क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्या बनाएगा, एफ ई एस ओ फोर, और सी यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो हमने और इसके बाद और देखते हैं कि जैसे एमजी है, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मांगे, है ना, हंसकर पटौदी बाबा, तो हंसकर तो भाई कमजोर है, तो मांगे क्या करेगा, इसके साथ इसको अपने साथ भगा लेगा, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस H2। हमने क्या देखा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के जो आयन्स होते हैं उसे क्या करता है, अपने साथ भगा लेता है, अपने साथ लेके उसे क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि और यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स का यूज हमने देखा किसमें करते हैं, ज्वेलरी बनाने में, नहीं सोना चांदी प्लेटिनम, तो हम उसे क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में उसका यूज करते हैं। उसके बाद जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स है, बर्तन हम बनाते हैं आपके घर में, चाहे वह प्रेशर कुकर हो, थाली हो, किससे बनता है, मेटल से बनता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक केबल, जो आपके घर में जो तार लगे होंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले, उस किसके बने होंगे, मेटल के बने होंगे। उसके बाद हम बात करें जितने भी कंस्ट्रक्शन ब्रिज होती है, हाउसेस, घर बनाने में आप सरिया डालते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद गैल्वेनाइजिंग में हम आयरन का यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप के एलॉयज बनाने में, एलॉय बनाने में भी हम क्या करते हैं, एलॉय क्या है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एलॉय बनाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एलॉय। हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है, तो जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता है। उसके बाद बहुत सारे मेटल्स हम पैकेजिंग के लिहाज से फॉइल पेपर और एल्यूमिनियम का बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की, किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब किससे, किस क्या है, नॉन मेटल से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद नॉन मेटल का यूज जो है इंसुलेटर के तौर पे किया जाता है, जैसे बेकेलाइट आप बनाते हैं, डायमंड का यूज ज्वेलरी में किया जाता है। उसके बाद कटिंग में किया जाता है, ड्रिलिंग में, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कटिंग और ड्रिलिंग में क्या होगा, कटिंग और ड्रिलिंग में डायमंड का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, नियॉन का यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड बनाया जाता है, आपने देखा होगा जो लाइट जलती रहती है साइन बोर्ड में, वो किससे बनाया जाता है, तो नियॉन से बनाया जाता है। थैंक यू, आपका चैप्टर खत्म होता है।